हुए हैं। और अब आपको बताएं कि पंजाब के बाद सिंध में इम्कानी बारिशों से कब शहरियों की जान और माल महफूज बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार रशीद अहमद जरदारी और दिगर मुतालिक अफसरान ने शहर का दौरा किया। उनके दौरे का अहवाल बता रहे हैं इम्तियाज हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब के बाद सिंध में आने वाली बारिशों से आवाम की जान और माल महफूज बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला रशीद अहमद जरदारी, CMO सलमान लुंड व दीगर अफसरान ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और टंडोवाला की इस्लामिया मस्जिद, बुकेरा नाका, मेन डिस्पोजल, फयाज कॉलोनी और दीगर मकामात पर जहां ज्यादातर गंदा पानी खड़ा होने की शिकायतें मौसूल होती हैं वहां के शहरियों से मुलाकात की और मकामी अफसरान को फौरी तौर पर इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत की। हमारे स्टाफ सैनिटरी का उसको आज हम मॉनिटर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी ये मेन शाहराहों के अंदर गड्ढे पड़ गए हैं और इसमें काफ़ी नुकसानात भी हुए हैं, ट्रैफिक के हादसात होते हैं, लोग डूब जाते हैं और ये शहर की बड़ी सेंट्रल प्लेस है तो हमने ये आज विजिट किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल 2012 में होने वाली तूफानी बारिशों से टंडोवाला के कई मकामात तबाह हुए, हजारों लोग बेघर और कई लोग अपनी जानें गंवा बैठे, जबकि रवां साल होने वाली बारिशों से कबल जिले इंतजामिया की कोशिशों के बाद अवाम ने इस कदम पर खुशी का इजहार किया है। कैमरामैन टीम के साथ इम्तियाज हुसैन, SHTV न्यूज़, टंडोवाला।